स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारी EVS की हमें वर्कशीट करनी है जो कि लेसन 3 से रिगार्डिंग है। और लेसन 3 हमारा कौन सा था बेटा जी? हाउ वी मेक आवर फूड, ऐसा था क्या? क्या था वो लेसन बेटा जी हमारा, किसी को याद है? लेसन का नाम था माई बॉडी नीड्स फूड। क्या नाम है? माई बॉडी नीड्स फूड। उसी से रिलेटेड हमने ये वर्कशीट तैयार की है जो कि मैंने आपको आज मॉर्निंग में सेंड की है। उसे कैसे फिल करना है आज ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है? सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपना नेम लिखना है, आपका जो भी नेम है वो लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट मेंशन करनी है, यानी कि 22/7/2020, क्लास सेकेंड, और सब्जेक्ट है हमारा EVS। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्या है? आवर बॉडी नीड्स डैश टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए? क्या चाहिए? फूड। क्या चाहिए? फूड, ठीक है। द नेक्स्ट ब्लैंक इज वी गेट ग्रेन्स एंड पल्सिस फ्रॉम डैश। हमें हमारे ग्रेन्स यानी कि दालें और अनाज, पल्सिस मतलब दाने और ग्रेन्स मतलब अनाज, हमें कहाँ से मिलते हैं? वो है हमारा आंसर प्लांट्स से। कहाँ से? प्लांट्स से, पौधों से मिलते हैं। द थर्ड वन इज द डिफरेंट काइंड ऑफ डैश आर नोन एज पल्सिस। पल्सिस बेटा हम किसको बोलते हैं? पल्सिस का दूसरा नाम क्या है? दाल्स। क्या है? दाल्स। ओके, अभी हम अपना नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट वन है हमारा वी गेट फोर्थ वन है वी गेट डैश फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। काउ और बफेलो से हमें क्या मिलता है? मिल्क। एंड वी गेट डैश फ्रॉम हैंस एंड डक्स और हैंड मुर्गियों से और बत्तख से हमें क्या मिलते हैं? एग्स, दैट मीन अंडे। ओके, नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग फूड्स गिव्स अस डैश। अब जो एनर्जी गिविंग फूड है वो हमें क्या देगा? एनर्जी। और बॉडी बिल्डिंग फूड्स गिव अस, बॉडी बिल्डिंग फूड हमें क्या देंगे? स्ट्रेंथ। प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डैश, जो प्रोटेक्ट करते हैं। तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? वो हमें डिसीजेज से। डिसीजेज क्या होती है? बीमारी। बीमारी से कौन बचाता है हमें? प्रोटेक्टिव फूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा वी शुड ऑलवेज ईट डैश मील्स। हमें हमेशा कैसी मील खानी चाहिए? बैलेंस्ड मील खानी चाहिए। ना तो ज़्यादा खाना चाहिए ना ही बहुत कम खाना चाहिए, हमें बैलेंस्ड मील खानी चाहिए। ओके, वी गेट एनिमल डैश फ्रॉम एनिमल्स। हमें एनिमल्स से क्या मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट्स, हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें एनिमल्स से। ओके, अभी हमें क्या करना है? नेक्स्ट में हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स करने हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है। वी मस्ट ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर एवरी डे। क्या हमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करना चाहिए? बताइए सही या गलत। दिस वन इज ट्रू। ओके, द नेक्स्ट वन इज फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। खाना हमें क्या बनाता है? सेकेंड वाला है फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, खाना हमें हेल्दी बनाता है, तो ट्रू। एप्पल मैंगो एंड ऑरेंजेस आर वेजिटेबल्स। क्या ये वेजिटेबल्स हैं? नो, क्या है ये? फ्रूट्स है। तो ये क्या आ गया? गलत है, ये फॉल्स है। ओके, वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमें फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, ट्रू मिलता है ना, यस। वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें अलग अलग खाना खाना चाहिए ना, एनर्जी गिविंग फूड खाना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग खाना चाहिए, और प्रोटेक्टिव फूड भी हमें खाना चाहिए। तो ये हो गया ट्रू। द काओ गिव्स अस चीज़। काओ हमें चीज़ देती है। चीज़ देती है? नहीं, वो हमें मिल्क देती है। तो ये क्या है हमारा? रॉन्ग है। ओके, अभी हम देखेंगे हमारा लास्ट वन क्या है। लास्ट है बेटा जी हमारा, यहाँ पर देखिए मैंने हमारे न्यू वर्ड्स किए हैं ना हमने थर्ड लेसन के, तो उन्हीं को मैंने इस क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया है। उसमें क्या है, अलग अलग मैंने स्पेलिंग दे दिए हैं, जैसे ग्रो, GORW, GWOR और GWRO। इन चारों में से जो ग्रो के सही स्पेलिंग्स हैं आपने उनके ऊपर ऐसे सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है। मेरे पास अभी लैपटॉप में मैं सर्कल नहीं कर सकती थी तो मैंने उसे रेड कर दिया है, आपको इसको सर्कल करना है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट स्पेलिंग आपने किसके देखने हैं? डिसीजेज़ के। न्यू वर्ड्स हैं ना आपके पास, आपको वो न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं और फिर आपको ये चेक करना है इनमें से कौन से स्पेलिंग्स सही हैं। जैसे वेजिटेरियन के हैं VEGETARIANS, जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं आपने उनको क्या करना है बेटा? सर्कल करना है। ओके, आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है ना, आप कैसे करनी है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो वर्कशीट सेंड की है आपको वो वर्कशीट अभी
करनी है और फिर मैम को सेंड करनी है. ओके, हैव अ नाइस डे. बाय बाय.